रहीम, मैं आज आपको एक सादी सी हांडी बनाना सिखाती हूँ आलू गोश्त सिंपल तरीके से। आप ले एक किलो गोश्त ले, उसको अच्छी तरह धोकर प्रेशर कुकर में डालें, दो मीडियम साइज आनियन डाल दें और तीन टमाटर बारीक ऐसे काट के मीडियम साइज, टू टेबलस्पून ऑफ गार्लिक इंडिया पेस्ट बना हुआ, एक टेबलस्पून डालें आप सॉल्ट नमक और एक टेबलस्पून चिली और हाफ ऑफ टीस्पून ऑफ हल्दी डाल दें आप। फिर इसको ऐसे मिक्स कर लें, सारा मिक्स करके ऐसे इसको 10 से 15 मिनट ढकना दे के छोड़ दें। तकरीबन आप इसको 20 मिनट तक ऐसे पकने दें, पानी सूख जाए और गोश्त गल जाए, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये आलू गोश्त मेरे तैयार हैं, अब इनको मैं बाउल में डाल रही हूँ। यू कैन सी टेबल, उसे गार्निश करना है धनिया के साथ, एकदम गरम मसाला, थोड़ा ऊपर गरम मसाला डालें खुशबू के लिए ना, स्मेल नाइस आती है, जस्ट लाइक दिस। एंड देन यू कैन गार्निश विद धनिया, धनिया के साथ। ये माय आलू गोश्त, सिंपल एंड सादा एंड क्विक। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू।